सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स होट 12 डिवाइस के अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन सेटिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स आप दो विंडो क्रिएट कैसे करेंगे अपने फ़ोन के अंदर। हालांकि अगर हम इसके बाय डिफॉल्ट सेटिंग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमें नहीं दी गई है स्प्लिट स्क्रीन का, और ये आई डोंट नो कि इन्फिनिक्स वालों ने ऐसा क्यों ऑप्शन नहीं डाला इसको। बट यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ करके स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। इसके लिए जाना होगा आपको प्ले स्टोर के अंदर, यहाँ पर मल्टी विंडो सर्च करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाउनलोडिंग का मिलेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार हम इसको ओपन करेंगे, ओपन पे हमने क्लिक करा, यूज़ इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा। एक बार यहाँ इनेबल बटन है, इनेबल करेंगे, हमें कुछ परमिशन अलाउ करनी होगी जिसके लिए स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे। जहाँ पर भी आपको मल्टी विंडो प्रो दिखाई दे, एक बार इसको ऑन करेंगे, इसके बाद अगेन बैक आएंगे। अब यहाँ पर जो भी परमिशन मांगे फटाफट आप सबको अलाउ कर लीजिए इस तरीके से। इसके बाद एक बटन हमारे पास आ जाएगी, ये बटन आपको कहीं भी दिखाई देगी। होम डिस्प्ले पर देखते तो बटन है, एक बार हम इस बटन को इस तरह से प्रेस करेंगे तो मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। अगर गाइस देखो, किसी केसेस में अगर ये बटन इंस्टेंटली लाइक करंट टाइम पे यूज़ नहीं हो रही है तो आपको बस थोड़ा टाइम वेट करना, ऑलमोस्ट 5 या 10 सेकंड समथिंग ये बटन काम करना स्टार्ट कर देगी। अभी देखना हमारे फ़ोन के अंदर ये काम नहीं कर रही है, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद इसको हम जस्ट कुछ सेकंड बाद इसको यूज़ करेंगे तो ये काम करेगी। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये यूज़ हो रहा है, मीन्स कि जब तक ये ओपन नहीं हो रहा है। तो एक बार हम इसको ट्राई करेंगे अगेन, मैं एक बार यहाँ से इसको बैकग्राउंड से हटा दीजिए सारे एप्लीकेशंस को, वापस से क्लिक करेंगे। गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 5-10 सेकंड वेट कर लिया है। अब वापस से हम इसको क्लिक करेंगे, साइड्स में थोड़ा सा पुश करेंगे इसको क्लिक करके, देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है ये वाला पैटर्न जहाँ पर एक प्लस साइन है। सबसे पहले हम यहाँ पर एप्लीकेशंस को ऐड करेंगे जिनके साथ हमें स्प्लिट करना है। एक बार इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, ऑलमोस्ट टोटल एप्लीकेशंस आपके पास आ जाएंगी जिस ऐप को आप स्प्लिट करना चाहते हैं। एक बार आप उसको इस तरह से करके सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद डन वाला ऑप्शन है, एक बार आप डन करेंगे एप्लीकेशंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। बिकॉज अभी यहाँ पर आपको एक इनेबल बटन और दिया गया है, एक बार आप इसे इनेबल करेंगे आपके पास एज ए बाय डिफॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर और मिल जाएंगी। अगर आपको स्प्लिट करना है तो इन ऐप के साथ आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकती हैं, ना कि अगर आपको चाहें तो आप बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट इस ऐप के अंदर है आप वही चीज़ें स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर अपनी गैलरी को ओपन करते हैं तो एक विंडो क्रिएट हो चुकी है। वीडियो प्लेयर को यूज़ करेंगे, दो विंडो क्रिएट है, विंडो को आप यहाँ पर नीचे ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ से आप होम पेज पर आइए। अब अगर यहाँ पर कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके साथ यूट्यूब को रन करना चाहता हूँ, तो फटाफट आप YouTube को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आइए क्लिक करिए। तो यहाँ से आप YouTube को भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें तो इसके साथ आप और भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एज एग्जांपल मैं कोई भी कोशिश करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और हमारा ये भी एप्लीकेशन रन कर रहा है और ये भी रन कर रहा है जो वीडियो प्लेयर है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर यूट्यूब, मैक्स प्लेयर, कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे विंडो क्रिएट कर सकते हैं। जो शॉर्टकट है वही वहाँ पर ऐड होगा। सो उम्मीद करते हैं गाइस समझे होंगे कैसे यूज़ करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।